सानू कल रात पिंड भैणी विखे एक कंप्लेंट आई कि इतने माइनिंग चल रही है, जिस संबंधी साड़ी टीम ने मौके पर जाके पिंड के सहयोग नाल ते पुलिस के सहयोग नाल माइनिंग कर रही मशीनरी नू अपनी कस्टडी के विच ले लिया गया। भावे कि मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी वालों अहुदा संभालन मौके गैर कानूनी माइनिंग विरुद्ध कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए गए सी, मगर इसके बावजूद प्रशासन वालों उक्त आदेशों की अनदेखी की जा रही है। ताज़ा मामला सामने आया है नूरपुर बेदी खेतर का, जिथे गैर कानूनी माइनिंग का धंधा बेखौफ जारी है। दरअसल देर रात नूरपुर बेदी खेतर के पिंड भैणी विखे पिंड वासियों नूं जदों रात करीब 12 बजे माइनिंग होने संबंधी मशीनों की आवाज सुनाई दी तो पिंड वासी अते माइनिंग विरुद्ध इलाका संघर्ष कमेटी के आगू वजिंदर सिंह गोबिंदरपुर बेला ने तुरंत विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पिंड वासियों ने चार चालकों नूं चार टिप्परां समेत मौके पर काबू कर लिया। कुछ समय बाद पुलिस नूं लैके मौके पर पहुंचे माइनिंग अधिकारियों के हवाले कर दिता। फिर माइनिंग विभाग के वालों नाले तुहाडे सहयोग के नाल चार टिप्पर ते एक जो मशीन है हुण फड़ी है, की कहना चाहुंदे सर? देखो गल ये है जी, वे सानूं 4 महीने हो गए ये जी 14 पिंडां की नजायज़ माइनिंग विरोधी कमेटी बनी हुई है, मैं वह जनरल सैकटरी हूँ मोहन सिंह। सानू 4 महीने हो गए, अगस्त महीने तो असी इस काम प्रोग्राम में बिढ़े में लगे हुए हैं। लोगों का भी बहुत सहयोग है, प्रशासन भी सानू साथ दे रहा, पर कुछ ऐसिया कमियां है कि जेडे सरकारी शह के मुताबिक, मैं तो यही कहूँगा भी सरकारी शह के मुताबिक जोड़ा बंदा कल्पट है जोड़ा मालिक उत्थे करा रहा नजायज़ माइनिंग, वो सानू परेशान कर रहा है। और वो थां एक ऐसी है कि जिथों पानी का बहा जो 88 तो पहला का जोड़ा है, अगर उत्थे उस जगह पर माइनिंग हो जाती तो साडा जोड़ा 14 पिंडा का पानी का बहा 88 तो पहला वाला मुड़ के फिर शुरू हो जाना है। इस करके लोग जोड़े है चिंतित है। रात फिर कुछ बंदे असी कमेटियां बनाइया मैं भी असी रोज़ जोड़े है ना निगरानी रखते थे। दिवाली वाली रात में भी शुरू होया काम, उस दिन भी असी 112 नंबर से कंप्लेंट करके की है बंद रहा। रात जदों साडे बंदे जोड़े हैं चैक कर गए गेड़ा मारन, वैसे ही तो जो शरेआम माइनिंग चलती थी, जदों असी प्रशासन को फोन की अपना संबंधित महकमे को फोन किया तो अधिकारी जोड़े है उन्होंने सानू आने का भरोसा दिता तो वो दूर नेड़े सन पर पहुँच गए सन। उस तो बाद पुलिस तंत्र असी पुलिस डिपार्टमेंट में जोड़ा इनफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने का कित भी साडा फोन नहीं मिलया। जदों असी अक गए सारे लोग जोड़े उत्थे इकट्ठे हो गए लोग, तो असी कंट्रोल रूम 112 नंबर पर कंप्लेंट की, उदों चलो फिर जोड़ा साडा कट्ठ हो गया, कट्ठे हो गए साडे लोग भी कट्ठे हो गए, महकमा भी आ गया, पुलिस भी साडे डिपार्टमेंट ने साडी मदद दी है और लोगों ने हिम्मत करके जिहड़े संबंधित टिप्पर भी फड़े है और जिहड़े ड्राइवरां नूं भी उत्थे उजाड़ दे विच जिहड़ा घेरा पा के फड़ के पुलिस डिपार्टमेंट दे कीता। लेकिन संबंधित बंदे जसकरण सिंह ने साडा जिहड़ा महकमे दे साडे अफसर साथे उन्हां नूं धमकियां भी दित्तियां, उन्हां दे कपड़िआं नूं भी पग नूं भी हत्थ पाई और उन्हां नूं इह भी कहा भी तेरी बदली असीं हुण करा के दसांगे, और उहदीआं उन्हां नूं जान मारन तों मारन दीआं धमकियां सानूं भी साडे प्रधान बलविंदर सिंह नूं भी जिहड़ी है जान मारन दी धमकी दित्ती है। मैं इह गल अज शरेआम कहिंदा कि अगर कोई किसी कमेटी के मैंबर का या संबंधित अधिकारी का कोई जान माल का नुकसान हो गया तो इसकी सारी जिम्मेवारी जी जसकरण सिंह उत्ते संबंधित जोड़े हैं उन्होंने बदमाशा से और जड़ियाँ पंजाब सरकार की होगी संबंधित महकमे की होगी। असी अगर इस संबंधित विभाग का जोड़ा अफसर है जोड़ा लोगों के सहयोग न खड़ा, जब भी लोग 15 पिंडा उन्होंने याद करते हैं वो भावें कितने भी होने आके लोगों का साथ देंगे, अगर उसकी ट्रांसफर हुई तो 14 पिंड जोड़े हैं लाम लश्कर बन कहना सरकारी जोड़े साढ़े नुमाइंदे है उन्होंने कोठियाँ घेरों और जो भी सानू करना पे असी करने तैयार हैं। असी बहुत दुखी हैं, ये लोग जोड़े हैं सन 88 तो पहला वाला जोड़ा है वो संताप नहीं भोगना चाहते और सिर्फ तरदीबाजी ला के असी 5 महीने तो देर रात जी है चैकिंग कर रहे हैं। ये साड़ी हाथ जोड़ के बेनती है चन्नी साहब नूं भी साड़ी बेनती है जिन्होंने कहा कि असी नजायज माइनिंग जी बंद कर देनी है, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब नूं साड़ी हाथ जोड़ के 14 पिंडां की पुरजोर अपील है कि इस जिहड़ा साड़ी माइनिंग हो रही है ये अगंपर पिंड दे विच भैणी पिंड की सरहद उत्ते जिहड़ा 14 पिंडां का मेन सिर है खतरा है, अगर वह ठल ना पई तो असी जी किसी हद तक जाने वास्ते भी तैयार हैं। चन्नी साहब नूं बेनती है कि इस नूं जरूर हाथ पाई जाए और संबंधित विभाग के किसी भी कर्मचारी का या किसी का ताकि नुकसान ना हो सके, ये साड़ी हाथ जोड़ के पंजाब सरकार नूं बेनती। नाम क्या? करम सिंह नंबरदार पिंड अमर बेला। राती सानू पता लग्या भी माइनिंग चलती है, 16 अगस्त नूं असीं बंद कराई दी, ये इन्ने दबके मारदा कहिंदा थानू मैं चक मार दूंगा ऐ करूँगा वो करूँगा, असीं इहनूं कहा भाई जसी ये काम ठीक नहीं है, साडे पिंड हट जाने, पानी पीण नूं नहीं मिलना, बच्चे कित्थे जाऊगे, फसलां साडा नहीं होणियां। इस बंदे ने धमकियां दित्तियां, SDO साहब
सुखविंदर सिंह जी कंग इन्हों भी मालूम ने गाली गलोज की, कहना मैं तेनों देखूँगा, तेरा पिछा करूँगा, तेन छड़ा नहीं, तेरे परिवार को नहीं छड़ा, कालर हाथ पाया, पग न हाथ पाया। असी मतलब बंदे हो गए 30-35, असी 3-4 गड्डियां कवर कर लिया, कवर करके ड्राइवर फड़ ले, पुलिस साढ़े नाल थी, असी उन्होंने फड़ के गड्डी पुलिस वालिया हवाला करता। फिर ये जस्सी कर आया, कहिंदा तुसीं क्या शराब पीती भी गड्डी पेटी पई ने दी, ये मतलब सानू इस तरह धमकियां दे रहा था, कहिंदा भाई तुसीं क्या करूँगे, गड्डियां लै जाओ जिथे मर्जी, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर छड़ाऊँगा इन्हों। हैं असी ये कहने भाई जी 2 घंटे छड़ानी आ, भाई सानू ये फुद्दू की बना रहे हैं तुसीं, ये सरकार कादी है, हैं सानू तो अस मेहनत करते हैं, वोटा जस्सी करन कोल नहीं है, ये पिंडा चो वोटा मिलनी सानू, उन्हें पंड नहीं बनी वोटा की कितने भी, वो वोटा पईआं भाई बाबे गोलकदार पईआ बनता 40-50 लाख, ये पिंडा चो वोटा मिलनिया, पिंड का संजोग करो, पिंडा च बिचरवा कै उन्हां लोगों का जिमीदारा का पुछो दुख सुख बे भाई थोनू क्या गल है, एक बंदा नहीं कदे करता हुंदा है, असी अफसर की तहीन होई है, असी मर जावे अफसर की तहीन नहीं होने देवे कदे भी IDO साहब की। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ तुसी पहला तो लड़ रहे हो संघर्ष, तो हुण भी राती तुसी मशीना फड़ाईया, की होया वाकई पूरे जानकारी दिओ। देखो जी असी गैर कानूनी माइनिंग तो अत दुखी लोग हैं, मतलब साढ़े 14-15 पिंडा नाल रल के एक कमेटी भी बनाई, असी ठीकरी पहरे भी दिने हैं, मतलब फिर भी ये जड़े माइनिंग माफी है पता नहीं, मतलब ये जब असी साढ़ा दिन ठेका हारियां दा सौण दा टाइम हुंदा तां ये अपन मशीन लेके आ जाते हैं, तो मतलब इदा का हल्ला करते हैं भी रातों रात किन्ने टोए जी उपजाऊ जमीन है उदे विच पा जाते हैं, जिदे नाल साडा आने वाला भविख है जिहड़ा वह बहुत खतरे च है, साडी होंद नूं खतरा, साडे किन्ने पिंड है जिहड़े उन्हां दी मेरे ख्याल है भई जे ये मतलब जिहड़ी नजायज़ मैंने गए ना रुकी इहदे ते कोई ना कार्रवाई होई है तो मतलब वह साडी जिहड़ी आने वाले समय में कई पिंडां दी जिहड़ी होंद है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन मैनू एक बड़ा इस गल का दुख है भी मान योग बड़े सत्कार योग साडे मुख्यमंत्री चन्नी साहब भी अज कहिंदे है भई मैं आम आदमी है, असी भी उन्हां दा सत्कार करते हैं भी वो आम आदमी होण, अज मैं मीडिया राही उन्हां नूं पुकार करनी चाहता है भी अज जे तुसी अफगानिस्तान देखना है तो गोबिंद पर बेला बिच आओ, उत्थां देखो ये मतलब जिहड़ा प्रशासन है वो साडा सहयोग करता है, उन्हां लोकां नूं फड़दा है, उन्हां दा मदद करता है, उन्हां नूं विच फड़न विच साडी मदद करता है, उन्हां नूं ठल पाउणी चाहता है, लेकिन थोड़े जो पोलिटिकल लोग है उन्हां दी छत्रछाया इन्नी उन्हां दे उपर कृपा है कि उल्टा साडे प्रशासन नूं भी दबाया जाता है, तो वह माइनिंग माफिए का इन्ना दिल दलेर हो गया वा कि उन्हां दे मन च बिल्कुल भौ नहीं हैगा। रात 4 टिप्पर फड़े है, पुलिस दी टीम नाल सीगी, पुलिस दी टीम पिछले पासे सीगी, SDO साहब मैनिंग सतविंदर सिंह जी कांग साहब वो अगे अपनी गड्डी विच चल रहे सी, ते वो माइनिंग माफिया जिहड़ा जसकरन सिंह जस्सी मीरपुर वाला है उन्हों असी पहला भी 16 अगस्त नूं फड़ा चुके हैं, उते ते परचा होया, लेकिन अगे मैनू नहीं पता भी क्या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वो इन्ना मैं देखिया भी इन्ना हावी हो चुकिया वा पे उन्हें साडे वर्गियां नूं तां क्या सियाणना, एक गजटड अफसर होवे जो उहदी बदतमीजी कीती है असी उस नूं सहन नहीं कर सकते, असी भी सहन नहीं कर सकते, बाकी वो अफसर तां मैं जाणदा भी उहदा मन जाने वो जाने भी किद्दां उन्हें बर्दाश्त किया होगा, जो उन्हें गाली गलोच किया उहदे कालर नूं हथ पाया उहदी पग नूं हथ पाया, जे साडे अज नौजवानों की इस अपने देश विच जिहड़ा आजाद मुल्क है उहदे विच साडी अज इज्जत सेफ नहीं, पग सेफ नहीं, एक गजटड अफसर दी ये हालात है साडा आम लोगों का, चन्नी साहब मैं थोनों जरूर बेनती करदा हाथ जोड़ के भी सानू दस दौ भी साडे आम लोगों का क्या हाल होगा, इसलिए साडी पुरजोर अपील है असी पिछे हटन वाले नहीं, असी भी तहैया कर लिया भी किन्ने पिंड इकट्ठे हुए हैं हुण मरांगे जा मारांगे, लेकिन असी कानून नूं अपने हाथ च नहीं लेना चाहते, थोनू बेनती करते हैं तुसी सानू इंसाफ दिओ,
असी उड़ीकते हैं भी तुसी इंसाफ दिओ। सो साडी पकार नू सुन के इन्हां माइनिंग माफिया नू नत्थ पाओ। आ सामने टिप्पर है जो चार असी रात पुलिस के हवाले किए है, चार बंदे भी फड़ाए है, बाकी असी रात के अंधेरे विच सब कुछ नहीं लभ सके। सवेरा माइनिंग विभाग नू फिर बेनती की है, उन्हां दी टीम ने उत्थे सर्च ऑपरेशन किया है, उत्थे जिहड़ी बड़ी JCB मशीन है वो माइनिंग पट्टन वाली जो मशीन है वह भी मौके पर बरामद हुई है। असी कहने इन्हों कृपा करके बंद करो, ये असी संझा नू कार्रवाई कराने दो घंटे बाद आकर फिर कहते हैं, फिर वो जो माइनिंग माफिया सानू भी दबके मारदा कि थोनू जान तो मारूंगा, मैनू थोड़े थोनू मेरे बाबू का नहीं पता। असी यह भी गल जानने चाहने भी वह बाबू कौन है, सानू पता है भी वह साडे नुमाइंदे है। बाबू स्पीकर साहब जी साडे नुमाइंदे है, तुसी साडे बनो, इन्हां लोकां ने थोड़ा काम नहीं आना। थोनू भी असी बेनती करते हैं भी सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, वरना सानू जो भी मर्जी कार्रवाई करनी हो कर लियो, असी जाना हथियाली ते रख के अपनी फोर्सां तैयार करके पिंडां चों आप लड़ाई लड़ांगे। असी कानून नू भी फिर हाथ च लवांगे, उहदी जिम्मेवारी समुची सरकार दी होवेगी, समुचे प्रशासन दी होवेगी जो साडी राखी करन विच फेल हो चुकिया है। धन्नवाद जी। इस दौरान माइनिंग अधिकारी सतविंदर सिंह ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਟਿੱਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਪੋਕਲੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚਾਰ ਟਿੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਜੀਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੀਪ ਜਿਪਸੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਦਾ PB 10 22 ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1:32 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਅਤੇ SDO ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਟਿੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3:12 ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ,
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।